नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। दो मून्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको संक्रांति की लेट से बधाई दे रही हूँ। संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। आप बस खुश रहिए, मस्त रहिए, भगवान आपका भला करे और खुशियाँ में ही आपका साल ये बीते। तो दोस्तों, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में हम राई भाजी को कैसे बनाते हैं वो देखिए। हमने राई भाजी को लिया, धोया और उसके डंठल को तोड़ा। बड़े बड़े डंठल को हमने तोड़ दिया है, उसको धो के काट के बारीक बारीक, और केवल ये हम तीन चीज़ इसमें डालते हैं और नमक। उससे हमारी भाजी बहुत अच्छी बन जाती है, देशी शुद्ध गांव के स्टाइल की। तो दो दो लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है और नमक। केवल तीन से चार चीज़ों से हम ये भाजी को बनाएंगे। और मैं एक बार और बना डाली हूँ अपने उसमें। इसमें हम लहसुन अदरक कुछ नहीं डालते और सूखी एकदम बनाते हैं। तो आप इसको एक बार मेरे स्टाइल से बना के देखिए। आपको दाल चावल, गरम गरम दाल चावल के साथ खाइए, ये बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, उसके साथ इसको बना के खाइए। इतना टेस्टी और इतना अच्छा बनता है, एक बार आप ज़रूर बनाइए मेरे कहने पे। तो ये बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स में, दो चम्मच तेल में हम इसको बनाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने दो चम्मच भी नहीं डाला, डेढ़ चम्मच तेल डाला बस, इतने से तेल में। और इतनी अच्छी तीन पाव भाजी है, ये बना के आपको मैं दिखाती हूँ। बहुत टेस्टी रहता है ये। और ये रोटी, सब्जी, पराठा, चाहे जिसके साथ भी आप इसको खाना चाहें खा सकते हैं। सिंपल, सोबर और स्वादिष्ट। तो चलिए, अब ये गर्म हो जाए तेल, तो मिर्ची का हम छौंक देंगे, हल्दी धनिया पाउडर डालेंगे और हम भाजी को इसमें बघार देंगे। तो चलिए, तेल हमारा गर्म होने दीजिए, फिर हम डालते हैं। देखिए दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें मैं डालूँगी मिर्ची का बघार, हल्दी और धनिया पाउडर। केवल दो चीज़ हम डाल के इसको बनाएंगे और इसी में हम डाल देंगे अपना भाजी। और ये भाजी इतनी स्वादिष्ट बनती है कि मैं आपको क्या बनाऊँ, बनने के बाद बताऊँ। मैं बनने के बाद फिर इसको जब मैं डिश आउट करूँगी तब देखना, देख के ही बहुत लालच आने लगता है। नमक टू द टेस्ट होगा, जितनी भाजी है आप अपने हिसाब से नमक इसमें उपयोग कर सकते हैं। नमक डाल दीजिए। अब नमक डाल के आप उसको गलने दीजिए। गलने के बाद अच्छे से बिल्कुल एकदम सूखा होते तक हम इसे पकाएंगे। तो चलिए, अब मैं नमक डाल के चला के ढक के रखती हूँ। हमने इसको ढक दिया, ढक के पकने देंगे। और एकदम यकीन मानिए, इतना स्वादिष्ट और इतनी अच्छी भाजी बनती है कि गरम गरम दाल चावल के साथ केवल भाजी, या भाजी चावल और गरम घी डाल के खाइए आप। नमक, घी, नमक और ये भाजी डाल के खाइए, इतना टेस्टी बनता है। मैं हमेशा अपने घर में ऐसे ही बनाती हूँ भाजी, हमारे यहाँ ऐसे ही पसंद करते हैं। गरम गरम रोटी के साथ ये और भी अच्छी लगती है। तो दोस्तों, मैं आपको चलाते जाऊँगी और दिखाते जाऊँगी मेरी भाजी को, सरसों की भाजी। शुगर पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए, जिसको कम तेल में खाना हो, इससे बढ़ के कोई साग नहीं है। इसके जैसे स्वाद नहीं होता किसी चीज़ में। और ये इतना अच्छा बनता है कम तेल का और स्वास्थ्यवर्धक भाजी जो है, ये सरसों की भाजी। देखिए दोस्तों, हमने आंच को धीमा कर दिया है और ये इसके पानी में ही ये पकेगा। और जब तक ये पूरा सूख नहीं जाएगा तब तक हम इसे पकाएंगे। और ऐसे इसको मसलते जाइए, जितना मसलेंगे आप उतना ही टेस्टी बनेगा ये। हमने आंच को एकदम धीमा रखा है, ये देखिए, धीमे आंच पे ही हम पका रहे हैं इसको। तो चलिए दोस्तों, अब और भी जब हम चलाएंगे दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हमें चलाना ज़रूर कई बार पड़ता है, लेकिन आप ऐसी धीमे आंच में ही पकने दीजिए। एकदम सूख के बहुत अच्छी बन जाती है सब्ज़ी, तब हम इसको उतारेंगे। तो चलिए, फिर आपको मिलेंगे जब हम खोल के चलाएंगे तब। देखिए दोस्तों, इसमें कितना पानी है। इसके पानी को पूरा सूखते तक हमें इसे पकाना है, और पूरा सूख जाएगा पानी तभी हम इसको डिश आउट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर से ढक देती हूँ मैं ढक्कन को और फिर आपको उसे मिलती हूँ मैं। देखिए दोस्तों, अब इसका पानी एकदम ख़त्म हो गया है और इसको हम और सुखाएंगे अच्छे से। अब जब एकदम सूख जाएगा तब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो अभी थोड़ी सी टाइम है, फिर डिश आउट करने पे आपको दिखाऊंगी मैं। देखिए दोस्तों, मेरी सब्जी पानी पूरा ख़त्म हो गया और बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई। थोड़ी देर हम इसको और झोराएंगे। झोराना मतलब उसको थोड़ा सा सुखाएंगे, हमारे यहाँ के शब्दों में झोराना बोलते हैं। सुखा के फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। इस बीच अभी आप थोड़ा सा हरी धनिया पत्ती डाल सकती हैं, जिससे उसका टेस्ट और इन्हेंस होता है टेस्ट में। तो चलिए, अब थोड़ा सा हम धनिया पत्ती डालते हैं।
देखिए हमने थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दी है और इसको डाल के अच्छे से इसमें मैश कर देंगे। और मिर्ची आप अपने बघार में और भी डाल सकती हैं, हरी मिर्ची भी काट के इसमें डाल सकती हैं। हम लोग कम खाते हैं तो हम कम हरी मिर्च डालें, हरी मिर्च तो हम डाले ही नहीं है, लाल मिर्च भर दो तो बघार में डाली हूँ। देखिए दोस्तों कम आँच में ही हमने बनाया है, इतनी अच्छी और काफ़ी सूख गई है सब्ज़ी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि मेरी भाजी कितनी अच्छी बनी है। देखिए दोस्तों कम तेल में और इतनी अच्छी से भाजी बन के तैयार हो गई है, ये पेशेंट के लिए तो रामबाण है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप इसे बनाएंगे, खाएंगे और मून्स किचन में लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने अनुभव को मेरे चैनल में शेयर करेंगे। मैं अपना वही वीडियो डालती हूँ जो मैं घर में खाना बनाती हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको, थैंक यू वेरी मच। देखिए दोस्तों अब इसका पानी एकदम ख़त्म हो गया है और इसको हम और सुखाएंगे अच्छे से। अब जब एकदम सूख जाएगा तब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो अभी थोड़ी सी टाइम है, फिर डिश आउट करने पे आपको दिखाऊंगी मैं। देखिए दोस्तों मेरी सब्जी पानी पूरा ख़त्म हो गया और बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई। थोड़ी देर हम इसको और झोराएंगे, झोराना मतलब उसको थोड़ा सा सुखाएंगे, हमारे यहाँ के शब्द हम झोराना बोलते हैं। सुखा के फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। इस बीच अभी आप थोड़ा सा हरी धनिया पत्ती डाल सकती हैं जिससे उसका टेस्ट और इन्हेंस होता है टेस्ट में। तो चलिए अब थोड़ा सा हम धनिया पत्ती डालते हैं। देखिए हमने थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दी है और इसको डाल के अच्छे से इसमें मैश कर देंगे। और मिर्ची आप अपने बघार में और भी डाल सकती हैं, हरी मिर्ची भी काट के इसमें डाल सकती हैं। हम लोग कम खाते हैं तो हम कम हरी मिर्च डालें, हरी मिर्च तो हम डाले ही नहीं है, लाल मिर्च भर दो तो बघार में डाली हूँ। देखिए दोस्तों कम आँच में ही हमने बनाया है, इतनी अच्छी और काफ़ी सूख गई है सब्ज़ी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि मेरी भाजी कितनी अच्छी बनी है। देखिए दोस्तों कम तेल में और इतनी अच्छी से भाजी बन के तैयार हो गई है, ये पेशेंट के लिए तो रामबाण है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप इसे बनाएंगे, खाएंगे और मून्स किचन में लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने अनुभव को मेरे चैनल में शेयर करेंगे। मैं अपना वही वीडियो डालती हूँ जो मैं घर में खाना बनाती हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको, थैंक यू वेरी मच।